वेलकम टू देवजानी क्रिएशंस ट्यूटोरियल। आज मैं सिखाऊंगी लबियर। चलिए सीखते हैं लबियर। लबियर बनाने के लिए मुझे चाहिए पैटर्न। ये पैटर्न है और दो टेडी बनेगा। तो दो टेडी बनाने के लिए पैटर्न एक पैटर्न से दो टेडी बनेगा। और अभी मैं एक टेडी दिखा देती हूँ पिंक कलर का। तो पिंक कलर मीडियम फट चाहिए, वाइट कारपेट चाहिए और दूसरा कलर आपके पास जो भी हो उसके मैचिंग कर सकते हैं। सिंथेटिक कॉटन, थ्रेड नीडल, पिन और आईज नोस चाहिए। एक टेडी के लिए दो आईज एक नोस। तो सेम दो टेडी बनेगा दो कलर में। आप येलो पिंक, मैंने पिंक और स्काई में बनाऊंगी। ऐसे करके दो टेडी जो कलर आपको मैच होगा वैसे दो कलर चाहिए। अभी मैं पैटर्न एक पैटर्न से दो टेडी बनेगा। तो एक टेडी दिखा देती हूँ और पिंक का टेडी मैं बनाती हूँ। अच्छा, ये है बॉडी का पार्ट, ये है लव बियर। दो टेडी एक साथ है इसको लव बियर बोलते हैं। अच्छा, ये है टू पार्ट बॉडी साइड, पिंक मीडियम। ये है टू पार्ट बॉडी फ्रंट, वाइट कार्पेट। ये हैंड पार्ट है, ये फोर पार्ट हैंड, टू वाइट कार्पेट, टू पिंक मीडियम। जहाँ पे मैं पिंक मीडियम लिख रही हूँ दूसरा टेडी में, वहाँ पे स्काई मीडियम। तो ऐसे करके दो टेडी बनेगा। ये है लेग, टू पार्ट लेग, पिंक मीडियम। यहाँ पे है वन पार्ट हेड मिडिल, पिंक मीडियम। ये सामने तरफ रहेगा, ये पीछे तरफ स्ट्रेट। अच्छा, ये है हेड पार्ट, टू पार्ट हेड साइड, पिंक मीडियम। वन पार्ट व्हाइट कार्पेट। इयर्स फोर पार्ट इयर्स, टू पिंक मीडियम, टू वाइट कार्पेट। ये है टेल, टू पार्ट पिंक मीडियम। ये शू पैड। ये है फुट पैड, टू पार्ट वाइट कार्पेट। अच्छा, पिंक फर में पहले ड्राइंग कर लेंगे।
टू पार्ट बॉडी साइड पार्ट ये पिंक कलर का है, पिंक मीडियम। जब हम मीडियम बार में ड्राइंग करते हैं फार का डायरेक्शन देख लेते हैं, हर टाइम फार का डायरेक्शन इधर से ऐसे देखना है, ऐसे अपने तरफ रहें। ये करेंगे तो ये उल्टा होता है, हर टाइम इस साइड से या इस साइड से देखना पड़ेगा। तो फार का डायरेक्शन मेरी तरफ रखना है, ये है फार का डायरेक्शन। जब ड्राइंग करेंगे टू पार्ट का मतलब है ए पार्ट पीछे ऐसे करने से ड्राइंग गलत नहीं होगा, ये है बी पार्ट। तो जब ड्राइंग करते हैं बी पार्ट पहले करने से या ए पार्ट पहले करना है ऐसा कुछ नहीं है, जगह देख के कपड़ा वेस्ट ना हो वो देख के करना पड़ेगा। पहले मैं बी पार्ट कर लेती हूँ, ए पार्ट करूँगी तो इतना कपड़ा खराब हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं बी पार्ट पहले करने से कपड़ा पूरा लग जाएगा, कम मैंने कम में आ जाएगा। इसको ऐसे करके टेलर चौक से ड्राइंग करने से गलत हो तो ऐसे कर मार्कर चौक से पूछ सकते हैं, इसको ऐसे करके गलत हो जाए तो ऐसे करके पूछ सकते हैं, लेकिन पेन से पूछ नहीं सकते। तो इसको ए बी पार्ट किए फिर ए पार्ट, एरो देख के ऐसे इसको ड्राइंग करना है। ए पार्ट बी पार्ट बी पार्ट ए पार्ट, फिर हेड पार्ट, इसको भी एरो देख के इसको ऐसे ड्राइंग करना है। पहले ए पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट, टू पार्ट का मतलब ए पार्ट बी पार्ट। ये बॉडी का फ्रंट पार्ट ये व्हाइट में होगा, ये हेड मिडिल पार्ट, ये है वन पार्ट। वन पार्ट का मतलब ए पार्ट, एक पार्ट ही होगा। अच्छा, इसको ऐसे एरो देख के इसको ऐसे ड्राइंग करना है। जिसका फोर पार्ट है उस जैसे ईयर्स, टू पार्ट पिंक टू पार्ट वाइट कारपेट, दो इसमें होगा दो वाइट कारपेट में होगा। तो ए प्लस बी, ए प्लस ए और बी प्लस बी, इसमें दो पार्ट आएगा। एरो देख के दो पार्ट इसमें ड्राइंग करना है। और दो पार्ट व्हाइट कार्पेट में ड्राइंग करेंगे। इसका भी टू पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट, इसका भी दो करेंगे, इसका भी दो पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट।
हैंड फोर पार्ट है, टू पार्ट वाइट कार्पेट, टू पार्ट पिंक मीडियम, तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, टू पार्ट ए पार्ट और बी पार्ट, और टू पार्ट व्हाइट कार्पेट में। कार्पेट पर जब ड्राइंग करते हैं तो इसको ऐसे देख लेते हैं, ये इधर स्ट्रेचेबल है ऐसे, तो इसका एस, इसका मतलब स्ट्रेच। तो हैंड का टू पार्ट कार्पेट में है, एक बार ए एक बार बी, तो इसका भी ये स्ट्रेच है, ये देख के ऐसे करके इसको ड्राइंग करेंगे। बॉडी का टू पार्ट वाइट कारपेट, तो कारपेट में स्ट्रेच देखना पड़ता है। एरो मैंने दिए इसलिए दिए हैं, आपके पास फर हो दो टेडी का अल्टरनेटिव आप फर में भी कर सकते हैं, तो फर में हो तो एरो इधर होगा, इसलिए मैंने दिखा दिए। अभी मुझे स्ट्रेच चाहिए, कारपेट में ड्राइंग करेंगे, ये पार्ट फर में भी कर सकते हैं, इसका टू पार्ट होगा, ए पार्ट बी पार्ट। फार में जब करेंगे तब ये एरो आपको देख के करना है। ईयर्स, टू पार्ट ईयर्स, टू पार्ट पिंक मीडियम में काटे हैं और टू पार्ट इसमें ड्राइंग के। ये स्नाउट, ये वन पार्ट, फुट पैड टू पार्ट व्हाइट कार्पेट, अब इसको काटेंगे। कार्पेट फर काटना जैसे हम लोग कपड़े काटते हैं वैसे काटना है, ऐसे ऐसे करके काटेंगे। ऐसे करके सब काट लेंगे। फार का कटिंग मैं दिखा देती हूँ। जब फार काटते हैं हम लोग, फार को थोड़ा एकदम सिर्फ ऊपर का कपड़ा काटना है, सीजर का मुंह थोड़ा छोटा करके ऐसे करके। मेरा दूसरा वीडियो में भी दिया हुआ है, जैसे बनी टेडी में पूरा दिया हुआ है कैसे कपड़ा काटना है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ
ऐसे छोटा करके सिर्फ ऊपर का कपड़ा, फर ना कट जाए, ऐसे करके सिर्फ ऊपर का कपड़ा कट के पूरा ये कटना है। ये बॉडी का पार्ट है लव बियर का। अभी ये दो टू पार्ट को यहाँ से यहाँ तक जॉइंट करेंगे और यहाँ पे 1 2 टेल लगाएंगे। ये पार्ट और ये टेल। टेल का यहाँ पे एक डार्ट है, डार्ट को ऐसे काट के इसको भी ऐसे जॉइंट करना है करके 1 2। ऐसे करके इसमें लगाना है। दो बॉडी में ऐसे करके ये टेल लगाना है, फिर इसको ऐसे सिलाई करना है। इसको ऐसे जॉइंट करना, इसको यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जॉइंट करेंगे। अच्छा, ईयर्स दो फोर पार्ट था, दो वाइट में और दो पिंक में, एक पिंक एक वाइट करके इसको जॉइंट करना है। ये खुला रखना है, इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट करेंगे, इसको खुला रखेंगे सीधा करने के लिए। ऐसे करके यस, हैंड का जो पार्ट है इसको यहाँ खुला छोड़ना है, इसको ऐसे करके इसको जॉइंट करेंगे। जैसे एक वाइट और पिंक यहाँ से यहाँ जॉइंट करेंगे, ये सीधा करने के लिए खुला रखेंगे। ये ऐसे करके यहाँ खुला रखेंगे, पूरा ये सिलाई करेंगे। ये हो गया, ये है बॉडी का फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट टू पार्ट है, टू पार्ट को इसे ऐसे करके इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जॉइंट होगा। ऐसे करके जॉइंट होगा। ये जो पैर का जो पार्ट है, 3 4 3 4 3 4 यहाँ पे लगेगा।
सब मैं मशीन में ज्वाइन कर लेती हूँ। अच्छा, ये है स्नाउट पार्ट, इसका दो डार्ट है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगी ऐसे करके। सिलाई होगा, इतना तक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये हैंड पार्ट है, इसको ऐसे करके सीधा करेंगे। सामने से इसको ऐसे करने से फिर इसमें ऐसे करके इसको सीधा करना पड़ता है। ये दो हैंड पार्ट, ये हैंड पार्ट को यहाँ पे लगाएंगे। बॉडी को ऐसे करके पूरा यहाँ पे फुट पैड के लिए छोड़ देंगे। एकदम मिडिल में पहले एक पिन कर लेते हैं पैर के नीचे तरफ। यहाँ तक छोड़ देंगे ये फुट पैड लगाने के लिए। यहाँ पे ये ऐसे करके राउंड करके ये फुट पैड लगेगा। फिर ये ऐसे सेम ऑपोजिट में भी सेम ऐसे करके ये हैंड लगाएंगे। मैं दिखा देती हूँ कि ये जो पार्ट है इसमें यहाँ पे टेल लगाए, थोड़ा सा यहाँ छोड़ के यहाँ तक हैंड, हैंड लगाना है। जो बॉडी का पार्ट है इसमें ये लगाए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे करके यहाँ तक यहाँ पे फुट पैड राउंड करके लगेगा। ये जो फोर यहाँ पे ऐसे ये टू तक यहाँ पे टू ऐसे करके ऐसे फिर इसको ऐसे यहाँ तक जॉइंट करना है और यहाँ पे फुट पैड लगेगा। ये है बॉडी का पार्ट, बहुत इजी है। अच्छा, अभी है हेड, दो ईयर्स बना लिए। ये जो हेड पार्ट है इसमें जो ईयर्स है इसको ऐसे घुसाएंगे, घुसा के इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे इसको ऐसे करके इतना से ऐसे करके लगाना है। तो ये पार्ट है, इसको कारपेट को ऊपर रख के ऊपर रखने से ये सामने तरफ आएगा और पिंक पार्ट को नीचे तरफ। इसको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा ऊपर छोड़ना है। फिर ये जो है पार्ट को ऐसे सामने तरफ मोड़ना है। ये
ये जो मिडिल पार्ट है इसको यहाँ से घुमा के पूरा ऐसे करके इसके ऊपर को देना है। तो ये जो चौड़ा ये पीछे से छोटा है, सामने थोड़ा सा बड़ा है, कर्व है, उसको सामने रखना है। सेम दूसरा साइड भी होगा और इसका ये मिडिल से मिडिल है, इसका मिडिल में देखिए इसको यहाँ तक जैसे टेडी बियर का मुंह लगाते स्नॉट पार्ट वैसे लगाना है। इसमें भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे होगा ईयर्स, ईयर्स का ए बी और ये सी, यहाँ तक सी और ये डी, पूरा ये राउंड होके यहाँ पे ई, ये ई, ऐसे ऐसे करके इसको ई तक और ये है स्नाउट एफ, ये जो मेटल है यहाँ पे एफ और ये जी, यहाँ पे है आईज, यहाँ पे है नोस, ऐसे करके बी के साथ बी जॉइंट होगा सी, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसको डी से ई, ई तक फिर एफ घुमा के जी तक फिर इसको फोल्ड करके लगाना है ऐसे। मैं बना के दिखा देती हूँ इसको, ये बॉडी पूरा सिलाई हो गया। अब इसको ऐसे करके सीधा करेंगे, सीधा करके इसमें कॉटन डालेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और हर हफ्ते मैं नया नया वीडियो देती हूँ, अब सब्सक्राइब करने से वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ये इसमें अभी कॉटन डालेंगे और ये हेड पार्ट, इसमें अभी आईज नोज लगाएंगे एकदम यहाँ पे। ये नोस रेड ब्लैक जो आपके पास है ट्रायंगुलर आप लगा सकते हैं। आईज छोटा कर, पीछे से वॉशर लगा देंगे। ऐसे आईज नोज लगा चुकी हूँ, अब इसमें कॉटन डालेंगे नोस में, स्नाउट में थोड़ा टाइट करके कॉटन डालना।
फिर ये सुई धागा से ऐसे इसका फिनिशिंग करना है। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घर में बनाइए, बहुत इजी है। ऐसे करके इसको ये कॉटन निकल ना जाए इसलिए ये धागा से, और आइस भी अच्छा लगता है देखने में, ऐसे करके बांध देते हैं। इसके बाद इसमें कॉटन डालेंगे। दो टेटी सेम बनेगा, एकदम सेम कटिंग से, सेम जैसे एक ये पिंक वाला दिख, मैंने पिंक वाला मैं बना रही हूँ। कॉटन डालने के बाद इसको ऐसे धागा से इसको सिलाई करना है। ये पिंक वाला में मैंने दिखा रही हूँ, दो टेटी बनेगा, सेम प्रोसेस, एकदम सेम दो टेढ़ी बनेगा। ये फिनिशिंग है इसका, थोड़ा सा रखेंगे। थोड़ा सा राउंड कर दिए। अभी बॉडी में भी बॉडी में कॉटन डालेंगे, हाथ में नहीं, सिर्फ पैर में, टेल में और बॉडी में। बॉडी में भी कॉटन डाल के थोड़ा मुंह छोटा कर लेंगे। अभी इसको लगाएंगे। जो पहले एक तो मैं बना के रखी हूँ, मैं दो कलर में बना रही हूँ, तो इस टेडी का फेस इधर लगाए तो इसका उस साइड नहीं लगा के इस साइड लगाएंगे, इसका इस साइड लगाएं, इसका दूसरा साइड में लगाएंगे, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। इसको बॉडी के साथ ज्वाइन करेंगे। ये अभी ये इस दोनों को ऐसे करके जॉइंट करें। यहाँ पे एक स्टिच मार देंगे, वेलको भी लगा सकते हैं या स्टिच भी कर सकते हैं। ये हो गया लबियर। लबियर बनाने के लिए बहुत इजी, सब कुछ एक टेडी बनाने का कटिंग लगता है, बहुत पार्ट भी कम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बनाइए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।